हीरो आरबी लाइव मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मेरे नाल मौजूद है वार्ड नंबर 20 तो कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक सोनी, जिन्हां नाल गलबात करांगे ते पुछांगे किहड़े-किहड़े मुद्दियां नूं लैके उन्हां वल्लों चोन प्रचार किया जा रहा है। फाजिलका दे वार्ड नंबर 20 दे विच कांग्रेस पार्टी वल्लों इन्हां नूं उतारिया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सोनी वार्ड नंबर 20 तो चुनाव लड़ रहे हैं ते इन्हां वल्लों लगातार वार्ड दे विच जाके प्रचार किया जा रहा है। प्रचार के दौरान किस तरह दीआं समस्यावां सामने आईआं उस बारे गलबात करांगे। पहला स्वागत है सोनी जी तुहाडा साडे चैनल। धन्यवाद जी। सोनी जी, किस तरह दीआं समस्यावां आईआं और किस तरह का प्रचार चल रहा इहदे बारे जानकारी? देखो जी, मैं 20 नंबर वार्ड च मैनूं आए लगभग 10-12 दिन हो गए और वार्ड की गली गली मैं घूमया। वार्ड में यही समस्यावां, बाकी तो वार्ड बहुत ही वधिया, सारे लोग अमीर लोग ने, किसी नूं किसी दी लोड़ नहीं, बड़े वधिया पढ़े लिखे लोग ने सारे। और वार्ड के देखा भी गलियां का बुरा हाल है, नालियाँ सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, कोई लाइटिंग का प्रबंध नहीं, कोई मैं देखा पानी रुके हुए है, गलियां बनिया नहीं है। इन्होंने मतलब 10 साल इन्हों की सरकार रही है, इन्होंने जोड़ा है वो जमा ही विकास नहीं कराया। और वार्ड वाले की मुख्य मंग होर कुछ नहीं, वार्ड वाले चाहते, वार्ड वाले चाहते एक तो साडा जोड़ा है MC मिलनसार होना चाहिए, तो दूसरा यह है भी जो वार्ड में सानू होर तो लोड़ नहीं, वार्ड से सफाई व्यवस्था की जरूरत है, वो नहीं इन्हें कराएगी तो होर की कराऊंगी। बस मैं उन वो विकास के मुद्दे लैके आया, मैंने वार्ड वासियों को विश्वास दवाया भी एक तो मैं जो आ गलियां जी खराब है तो साड़ी जो कमेटी बनन जा रही है उस होर सच मता पवा के जिन्हिया भी गलियां ने अपनिया उन्होंने जोड़ा दोबारा मरम्मत कराई जाएगी, नवी बनाई जाएगी। और जी खालिया का कम है, जी खालिया के पानी नालियों में रुकया है, उस नालिया की जो दोबारा रिपेयर कराई जाए, क्योंकि इन्होंने BJP वाले ने की किया भी पैसे कमाने पिछे। साडा जिन्होंने प्रधान अनिल सेठी बड़ा काम किया है, बड़ा बढ़िया दी वाह हो रही है, पर वो जो उन्हें काम किया है उन्हें काम किस तरह किया तुम देखो भी उन्हें जो ओपन नालियाँ सी उन्होंने नालियाँ बंद कर दी, नालियाँ पैपा पा दी। देखो पैपा तो सरकार का खर्चा होया, लोगों का की फायदा है, क्योंकि वो पानी जगह जगह रुकया पे। मैं तो सारे यही बेनती करता, मैं वार्ड वासियों को बेनती करता, असी तो अपने इलाके जी वो खालियाँ बिल्कुल बंद नहीं करें, खुलियाँ ओपन रखी और असी ठीक हाँ। जिस इलाके के नालियां बंद करके प्लास्टिक पैपा पा दी उस बोझियां आ गई, होर समान आ गया, वो पानी बिल्कुल बंद पाया और लोगों के बुरे हाल जी। मतलब अंडरग्राउंड नालियां लैके काफ़ी समस्या आई? बिल्कुल बिल्कुल, अंडरग्राउंड जो नालियां पाई गई ने उस पूरे शहर का बुरा हाल है। हम वार्ड वासी मजबूर हो रहे हैं भी अपना पानी अपना सारा जी निकासी है वो सीवरेज के नाल जोड़न तैयार बैठे, हर घर मेरे ख्याल सीवरेज जोड़ रहे हैं, जो भी बारिश आ जाती बुरा हाल हो जाता गलियों का, नहीं तो अपना जो फाजिलका कहीं पानी रुका ही नहीं। ये जी इन्होंने BJP ने जरा नालियां बंद करके पैपा पाई ने सब तो वड्डी मुसीबत वो है जी। BJP की सरकार के टाइम से जो वार्ड नंबर 20 दे विच जो 16 नंबर वार्ड हुंदा सी तो उहदे इक अंडरग्राउंड पाइपा पा के नालियां बंद की गई तो कहा गया सी कि बहुत वधिया विकास करवाया गया, जिस दे बारे सोनी साहब ने दस्सिया कि किस तरह नाल लोग उन्हां नूं अपनी समस्या दस रहे हन। सोनी साहब, वार्ड दे विच तुहानूं नवां प्रत्याशी किया जा रहा है, किया जा रहा है भी तुहाडी वार्ड दे विच कोई जान पछाण नहीं, कोई ग्राउंड लेवल से तुसीं काम नहीं किया, तैनूं लैके की कहोगे? देखो जी, मैनूं 30 साल हो गए पार्टी सेवा कर और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, कांग्रेस की सारी स्टेजा में संभालना और बाई फेस मैं 90% जो वार्ड मैं जानता है, जिस घर भी मैं जाना मैं शायद वो ना जानता वो, लेकिन आओ सोनी साहब की हाल पता, वो मैं सोनी साहब के नाँ से बुलाते, 90% वार्ड मैं जानता है और उन्होंने यह भी पता है भी ये इंसान जज्बे वाला है। और मैं 30 साल अपनी पार्टी के कुछ नहीं मंगया, साड़ी हाईकमान की इको सोच सी भी पार्टी के अच्छे चेहरे लिया के पार्टी मजबूत किया जाए, पर पार्टी ने मैं हुक्म किया और मैं पार्टी का हुक्म सिर मत्थे मन के इस वार्ड में अपनाया। किस तरह का कंपेनिंग चल रही है वार्ड के जो तुम जाने हो तो जिम्मे भारतीय जनता पार्टी का पहला इतने पार्षद रहा है और हम फिर दोबारा चुनाव के उतरिया, तुम नवे हो तो इस चीज़ को लैके की कहोगे? मैं तुम्हें गल दसना चाहना, मैं बड़ी खुशी हुई जो मैं वार्ड के वड़िया, मैं सोचता ही थोड़े लिए गल भी चलो भी चेहरा तो मेरा लोग सारे जानते पर वार्ड मेरे को इस वार्ड मैं इलेक्शन पहला लड़ रहा, अपनी जिंदगी का भी पहला इलेक्शन लड़ रहा। तो वार्ड के मैं जो गया वार्ड में यही समस्या सी कि 10 साल BJP सरकार रही कोई काम नहीं होया, राकेश जी असी MC बना के भेजे, बस एक बार वोटा मंगन आए ने दोबारा वो बिल्कुल सानू राम राम करन नहीं आए, अज वो फिर वोटा मंगन आ गए। मैं ये समझ नहीं आती भी जदों लोग आपू अपना नुमाइंदा चुक के बना के भेजते है तो अपना फर्ज बनता भी महीने दो महीने बाद आप चक्कर लाइए वार्ड की समस्या जाणू करिए भी तुहानू की समस्या है गली। मैं देख रहा तुहानू पहले भी कहा वार्ड सारा अमीर वार्ड है,
पढ़िया लिखा वार्ड है, इन्होंने सिर्फ प्यार की लड़ है और माड़े मोटे काम ने सफाई वाले, ये तो मैं पहले दस चुका। और बड़ा मजा आया मैंने इस वार्ड घूम के लोगों को मिल के, और लोगों ने मैं फतवा दिता इस गल का भी बिल्कुल असी नवा चेहरा लियावांगे, ये साड़ी सोच है जी। ये सन फाजिलका वार्ड नंबर 20 तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक सोनी जो साढ़े नाल गलबात कर रहे सन, जिन्हों वालों दसा गया कि उन्होंने वालों वार्ड वासियों को पूरा विश्वास दवाया जा रहा कि जेकर वो एम सी बन जाते हैं तो वार्ड की हर समस्या को दूर करेंगे, गंदे पानी की निकासी की समस्या पूरी तरह नाल हल किया जाएगा। आर बी लाइव मीडिया के लिए रुपेश बांसल फाजिलका।